हेलो फ्रेंड्स, मेरे विराट और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज आप देख रहे हैं हमारी वीडियो नंबर 93, जिसमें आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्वेश्चन मार्क को अप्लाई कर आप अपने चैनल की वीडियोस पर व्यूज कैसे बढ़ा सकते हैं और इस क्वेश्चन मार्क को लगाकर आप अपने चैनल को ग्रो भी करवा सकते हैं। तो इसे कैसे अप्लाई करना है, इसके क्या क्या फ़ायदे नुकसान दोनों हैं, वो सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। इस फॉर्मूले को बड़े से बड़ा यूट्यूबर अप्लाई करता है और अपने चैनल पर व्यूज़ बढ़ाता है। तो इसको कैसे लगाना चाहिए, क्या क्या कंडीशन रहती है, सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन मार्क के फॉर्मूले को अप्लाई कैसा करना है, क्या क्या कंडीशन होती है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँगा, अगर आप इसे ज़्यादातर यूज़ करते हैं तो आपके व्यूज़ बढ़ने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप टाइटल में कुछ लिख देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो जो कोई भी, अगर ज़्यादातर लोग 90% लोग ये देखते हैं कि सामने क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क को नहीं देखते हैं। टेक में भी अगर आप सजेस्ट करके उसे टाइप करके छोड़ देते हैं तो वो सर्चिंग में तो आ जाता है, लेकिन अगर आप थंबनेल पर भी क्वेश्चन मार्क बनाकर देते हैं तो ज़्यादातर लोग केवल टॉपिक रहता है उसे पढ़ते हैं, क्वेश्चन मार्क को इतना ध्यान नहीं करते हैं वो, ठीक है। आपने मान लीजिए अपने थंबनेल पर ये लिख दिया कि मेरी कमाई यूट्यूब से 1,00,000 रुपये महीना, जस्ट साइड में आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो जो अगर मान लीजिए आपने ही लगाया, आपने ही वीडियो बनाई है, तो आपको जो एक्चुअल कमाई होगी वो तो आप नहीं बताएंगे, आप उसके तरीके बताएंगे अंदर, ठीक है। आप यूट्यूब से 1,00,000 रुपये महीना कमाते हैं तो आप डायरेक्ट शो करेंगे किसी बंदे को कि ये देखिए मेरे पास प्रूफ है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन मार्क लगा कर उसी चीज़ को लिखते हैं और अपने वीडियो में एड करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो व्यूवर्स होते हैं वो पहली बार तो आपके वीडियोस पर चले जाते हैं और विजिट कर लेते हैं और पूरा वीडियो देख लेते हैं, शुरू से आखिरी तक समझ लेते हैं। फिर अगली टाइम क्या होता है, अगर आप ऐसा ही कुछ टाइप कर वहाँ पर छोड़ते हैं तो कोई भी, जिस व्यूवर्स ने आपकी पहली वीडियो देखी है वो आपकी दूसरी वीडियो कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो यही सोचेगा ये आगे वीडियोज़ में और कुछ बताते हैं, यहाँ पर लिखा कुछ और होता है। जैसे कि सपोज कर लीजिए आपने लिख दीजिए कि मुझे मिला स्पॉन्सरशिप का 1,00,000 रुपया, ठीक है। अब मान लीजिए आपने थंबनेल पर तो लिख दिया, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया और आगे आप वीडियो डिटेल में ये बता रहे हैं कि मुझे तो हैकर्स का मेल आया था, ऐसा हुआ था, उसने मुझे 1,00,000 रुपये मेरे स्पॉन्सरशिप के लिए मुझे देने के लिए कहा और वो तो लिंक हैक वाली थी, मतलब कुछ भी बात करके आप अपनी वीडियो का टाइम बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, जब कोई भी आपकी वीडियो पर विजिट करेगा तो स्टार्टिंग में वो आपको फॉलो करेगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो आपको छोड़ता चला जाएगा। बाद में जब व्यूवर्स को पता लगता है कि यार थंबनेल पर कुछ और लिखा हुआ रहता है लेकिन वीडियोस में अंदर जाओ तो और कुछ देखने को मिलता है, लेकिन जो ओरिजिनल रहते हैं वो प्रूफ के साथ आपको पहले ही बता देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते वीडियो में और जल्दी जल्दी आपको प्रूफ दिखाकर ये साबित कर देते हैं कि उनकी वीडियो रियल रहती है। लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाकर आप एक चीज़ तो ये अच्छी कर सकते हैं कि आप व्यूज़ बढ़ा सकते हैं, अपने चैनल पर ग्रो कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाकर बड़े से बड़ा यूट्यूबर ज़्यादातर क्वेश्चन मार्क लगाकर अपने जो थंबनेल रहता है उसमें अपनी खुद की खूबी बताता है, उस पर उससे उसको क्या प्रॉफिट हो रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको अपने थंबनेल पर शो करता है, और फिर जो टाइटल होता है वहाँ पर या तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है, थंबनेल में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। क्वेश्चन मार्क नहीं भी लगाते हैं तो भी उनका वीडियो का टारगेट यही रहता है कि वो अंदर और कुछ दिखाते हैं और थंबनेल पर और कुछ शो करते हैं। तो अगर आप भी ऐसा कर सकते हैं तो आपके चैनल के व्यूज़ तो बढ़ ही जाएंगे, आपके वीडियोज़ पर व्यूज़ आने लगेंगे, लेकिन आप कितनी ऐसी वीडियो बनाओगे, क्योंकि हर वीडियो पर तो आप क्वेश्चन मार्क लगा नहीं सकते। आपके एक दो वीडियो ऐसी हुई जिसमें आपने क्वेश्चन मार्क लगाकर उन पर व्यूज़ अच्छे कर लिए, लेकिन आगे अगर आप ऐसे ही कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो कोई भी बंदा उस पर ध्यान नहीं देता है। तो ज़्यादातर कोशिश ये करें कि अपनी वीडियो को रियल बताएं, उसको क्वेश्चन मार्क लगाएं, लेकिन क्वेश्चन मार्क जैसा थंबनेल पर टाइप भी करें कि प्रश्नवाचक आपका टाइटल दिखना चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ भी प्रॉफिट वाली चीज़ लिखकर उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं तो आपका जो वीडियो है वो झूठा कहलाएगा, क्योंकि आप थंबनेल पर तो बिल्कुल क्लियर लिख रहे हो, प्रूफ वगैरह सारा सब कुछ टाइप कर रहे हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हो तो आपकी वीडियो हो जाएगी झूठी। इससे आगे चलकर यूट्यूबर को ही नुकसान है, क्योंकि बड़ी बड़ी वीडियोज़ जब बनती हैं तो उन पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए जाते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स का आप सर्च कीजिएगा, सभी के 100% एक ना एक वीडियो ऐसी मिलेगी जिस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था और अपने प्रॉफिट के बारे में वो बताता है। तो जब वो थंबनेल बनाते हैं क्वेश्चन मार्क लगा कर, फिर वो डिटेल में जाते हैं, शुरू के एक दो मिनट तो इंट्रो में निकाल देते हैं, उसके बारे में बता देते हैं, फिर उसको समझाने का तरीका, यानी कि उसके जो समझाने का तरीका ऐसा हो जाता है कि जिसमें वो आराम से टाइम ले सके 4 से 5 मिनट का,
चार से पाँच मिनट का वो टाइम ले लेते हैं और अपनी वीडियोस में ये बताने की कोशिश करते हैं कि इसका कमाने का तरीका क्या है। जैसे कि मैंने बताया शुरू में, अगर आप लिख देंगे कि मेरी यूट्यूब की कमाई 1,00,000 रुपये महीना, तो आप बाद में जब वीडियोस बनाएंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि उसका तरीका कैसा है 1,00,000 रुपये कमाने का। आप एक्चुअल अगर 1,00,000 रुपये महीना नहीं कमा रहे हैं तो आपको उसका तरीका बताना पड़ेगा। लेकिन आपने तो थंबनेल में ये लिख दिया कि मेरी कमाई 1,00,000 रुपये महीना, तो व्यूअर्स सोचते हैं चलो देखते हैं इन्होंने कैसे कमाए 1,00,000 रुपये में। लेकिन जब आप अंदर जाकर ये बताते हो कि उसका तरीका ये है, तो आपकी वीडियो झूठी कहलाती है। फिर व्यूवर्स परेशान हो जाते हैं, यार कहाँ की वीडियो देख ली, तो ऐसा कुछ रहता है। तो आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर सकते हैं, 100% कीजिए। इसका प्रॉफिट भी है और नुकसान भी है, दोनों चीज़ें। अगर आप रियल बताएंगे तो आपका प्रॉफिट है और झूठा बतलाएंगे तो आपका नुकसान है। तो इस क्वेश्चन मार्क से ही सारी वीडियो जो कि पब्लिश होती है और ये ज़्यादातर व्यूज़ क्वेश्चन मार्क के जरिए ही आते हैं। सभी लोग अपने वीडियोस के थंबनेल पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं या तो टाइटल पर एंड में आपको लगा हुआ मिलेगा, जिसके जरिए व्यूज़ बढ़ाने का एक जरिया है कि आप कुछ भी लिख दीजिए, अपना जो प्रॉफिट जो नहीं हो रहा वो भी आप लिख कर वहाँ पर व्यूज़ बढ़ा सकते हैं अपनी वीडियोज़ में। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर एड्स आने के लिए लोग ये करते हैं, तो आप क्वेश्चन मार्क का उपयोग कीजिए, लेकिन जहाँ पर रियल है वहीं पर कीजिए। आप इस तरीके से झूठा क्वेश्चन मार्क लगा कर व्यूज़ बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन आगे आपको नुकसान है। तो वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा, आपको यही ट्रिक बतानी थी, आप इसे अप्लाई बिल्कुल कीजिए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो रियल बताइए, और रुकना चाहते हैं तो फ्रॉड गिरी कर सकते हैं आप अपनी वीडियोस पर। तो ज़्यादातर मैं तो यही कहूँगा कि आप रियल बताएँ, और अपनी वीडियोज़ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं या लगाने वाले हैं तो रियल पर ही लगाएँ। अगर आप फेक भी बता दें थोड़ा बहुत, तो उसमें ऐसा बताएं कि जो व्यूअर्स है उसे ऐसा नहीं लगे कि यार वीडियो झूठी है। तो यही आज की हमारी वीडियो, आज आपको यही बताना था। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।